energetic performance. Now here, there is one surprise for the audience. Generally, teachers are supposed to teach the students, but today the teachers of CEMS are also participating in today's function. So I would like to call on stage the teachers from pre-primary section to sing a group song with their melodious voice. Give up them a big hand! Thank you.
पसंद करते हैं। अपने दादा दादी के पास से वो स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। तो ऐसी ही एक निडर बुढ़िया की स्टोरी लेकर आ रहे हैं हमारे सीनियर के जीसी के लिटिल किड्स। चल भाई कद्दू तुनक तुनक। एक था जंगल, बहुत घना जंगल। बहुत पेड़ थे उसमें, बहुत बड़े बड़े, घने और मोटे। बड़, पीपल, आम, कटहल, ऐसे बहुत सारे पेड़। इतने घने थे कि दोपहर को भी जंगल में धूप नीचे नहीं उतरती थी। हर जगह बस ठंडी छांव रहती थी। बेचारे सूर्य के किरणों को नीचे उतरने के लिए जगह ही नहीं थी। पेड़ों के घनेपन की वजह से इस जंगल में पशु भी बहुत थे, इसलिए उस जंगल में जाने के लिए इंसान डरते थे। जंगल की एक ओर था एक बहुत बड़ा ताला और दूसरी ओर थी बिल्कुल थोड़ी बस्ती, यानी इंसानों के घर थे। इंसान बेचारे बहुत डर के रहते थे, जान बचा के रहते थे। क्या पता कोई शेर भेड़िया आया तो। और उसी बस्ती में एक बूढ़ी रहती थी। बहुत ही बहादुर और होशियार थी बूढ़ी। उस बूढ़ी की एक बेटी थी। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। वो रहती थी जंगल के उस पार, यानी तालाब की दूसरी ओर। बूढ़ी को जब भी बेटी की याद आती थी वो जाती थी अपनी बेटी से मिलने। ऐसे ही एक बार बहुत दिन हुए बूढ़ी को अपनी बेटी की याद आई। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरे, उसे बेटी की ज्यादा ही याद आने लगी। फिर उसने तय किया अब बेटी से मिलने जाऊंगी। तो उसने एक थैली ली, उसमें अपना सब सामान भर दिया। सामान यानी क्या, अपने कपड़े और नाती के लिए मिठाई, और चल पड़ी। पड़ोसियों को बता के रखा कि भाई साहब जरा दो चार दिन बेटी के यहाँ होके आती हूँ, बहुत ही याद आ रही है, जरा मेरे घर पे नजर रखिए जी। और चली बूढ़ी। आहिस्ते आहिस्ते चलती हुई जा रही थी बेचारी, जंगल में पहुंची। थोड़ी आगे बढ़ी और सामने आया एक शेर। बूढ़ी को देखकर उसने एक दहाड़ दी। शेर को देखकर बूढ़ी तो पूरी डर गई बेचारी। शेर ने कहा, ये बूढ़ी कहाँ जा रही हो, ठहरो मैं तुम्हें खा डालूंगा, कब की भूख लगी है मुझे। मन ही मन बूढ़ी डर तो गई थी, पर उसने शेर को ऐसा बिल्कुल लगने नहीं दिया। उसने कहा, खाना है तो खा डाल मुझे, मेरा क्या, कल मरूंगी वो आज ही मरूंगी। मुझे खाके अगर तेरा पेट भरेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पर अब मुझे खाके तुझे कुछ मजा नहीं आएगा। शेर ने कहा, हाँ कुछ भी बहाने बना के मुझे धोखा दे रही हो क्या। इस पे बूढ़ी बोली, अरे नहीं रे बाबा, कुछ धोखा नहीं दे रही हूँ, पर मुझे अब खाके तुझे क्या मिलेगा। इससे तो ऐसा कर, मैं अब जा रही हूँ मेरी बेटी के पास। उसके पास जाती हूँ, चार दिन रहती हूँ, घी रोटी खाती हूँ, आराम करती हूँ, अच्छी जाड़ी बन जाती हूँ, हर बात में मुझे खाना, कम से कम तेरा पेट तो भरेगा, है ना। शेर को लगा, हाँ बात तो ये सही है। फिर उसने बूढ़ी से कहा, ठीक है तू जाड़ी होके आना, बाद में मैं तुझे खाऊंगा। ऊपर से दम भी दिया, बोला, हे बूढ़ी मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, मुझसे पंगा मत लेना। बूढ़ी कहने लगी, अरे हाँ रे बाबा, बिल्कुल चिंता मत कर। चली बूढ़ी फिर से और थोड़ा चलने के बाद उसे मिला एक भेड़िया। बूढ़ी को देखकर भेड़िए के मुंह में भी पानी आया। उसने तो बहुत सारे दिनों से इंसान को नहीं खाया था ना। उसे लगा कि इस बूढ़ी के सामने खड़े होकर सिर्फ
चिल्लाया तो भी बूढ़ी डर के मर जाएगी। वो बूढ़ी के सामने जोर से चिल्लाया, पर बूढ़ी तो बहुत ही निडर थी, खड़ी रही वैसे की वैसे, सराब ही डरी नहीं। भेड़िए ने कहा, बड़े अच्छा हुआ तू आई, मैं अब तुझे खा जाता हूँ। पर बूढ़ी जरा भी डरी नहीं, उसने जो शेर को बताया था वही उसे भी बताया कि मुझे अब खाके तुझे क्या मिलेगा, सिर्फ हड्डियाँ। उससे तो अच्छा कि मैं पेटी के पास जाती हूँ, घी रोटी खाती हूँ, अच्छा अच्छा खाती हूँ, जाड़ी बन जाती हूँ, फिर तू मुझे खा, उससे तेरा पेट भरेगा। भेड़िए ने भी माना, उसने कहा, ठीक है पर चार दिन में यानी 4 दिन में लौट के आ, राह देख रहा हूँ मैं तुम्हारी, चलो। भेड़िए से भी बच के बूढ़ी तो बस चली आ गई। जल्दी जल्दी में जंगल खत्म हुआ और तालाब पार करके बूढ़ी अपनी बेटी के पास पहुँच गई। बूढ़ी को आई देखकर बेटी तो बहुत खुश हुई, उसने उसे गले लगा लिया। बूढ़ी के 4 दिन बड़ी खुशी से गुजरे। रोज अलग किस्म का भोजन करके आराम करके बूढ़ी तो एकदम तरोताजा हो गई। फिर अपनी बेटी से कहा बूढ़ी ने, बेटी आप मुझे जाना होगा, 4 दिन रही यहाँ अच्छा लगा, अब जाती हूँ, अगर जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। बेटी ने कहा, माँ ऐसा क्यों बोलती हो, बुरा लगा उसे। बाद में बुढ़िया ने जंगल में जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी बेटी को सुनाया। बेटी ने कहा, धन तेरे की, तो ये बात है, मैं